हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघनाथ महतो ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम अभी चलते हैं खेत की ओर, क्योंकि दो दिन से पूरा बारिश हुआ था, तो आज देखते हैं बारिश में धान कैसा है हम लोग का। तो कभी जा रहे हैं खेत की ओर, तो आप सबको खेत जाके आप सबसे मिलते हैं, देखते हैं धान सब कैसा, दिखाते हैं आप सबको। पहुँच गए हैं, नदी में पानी भी भर गया है, कम पानी था कल परसों तो, और आज पूरा पानी भर गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको नदी का पानी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गलाव के पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। नदी में हम लोग पार हो रहे हैं, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है पानी, नदी का पानी सुबह सुबह। ज्यादा तो पानी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं भरा हुआ है, कम है। मेरे दोस्तों खेत तक पहुंच गए हैं, देखिए हमारा धान खेत में कैसे डूबा हुआ है पानी में। देखिए इस साल का पूरा फसल हम लोग का बर्बाद हो गया, पूरा साल भर का फसल, जो कि पूरा साल भर मेहनत किए थे इस धान के लिए, और देखिए कैसा हो गया हमारा धान। देखिए दोस्तों पूरा धान डूब गया इधर पानी में, सारा धान बर्बाद हो गया इस साल का। दोस्तों पूरे साल का फसल हम लोग का बर्बाद हो गया, बहुत किसान सब उदास है, अब क्या करेंगे, पूरा साल भर क्या खाएंगे क्या नहीं। तो देखिए पूरा डूब गया है धान इस साल का, जैसे कि पूरा साल भर धान को उगाने में बहुत मेहनत लगता है, जैसे कि धान रोपने में, फिर हल उल जोतने में पूरा मेहनत लगता है, तो क्या करेंगे। पानी हम लोग का इस बार साथ ही नहीं दिया भगवान, पूरा धान डूब गया है। ये धान थोड़ी होगा, ये सब पूरा बर्बाद हो गया धान हम लोग का। कितना मेहनत से धान का खेती होता है ये तो किसान ही हम लोग ही जान सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं ना, पूरा बर्बाद हो गया धान इस साल। अब देखा जाए अगले बार क्या होगा, इस बार तो कैसे भी गुजार लेंगे साल कुछ भी करके, पूरा धान का खेती ही बर्बाद हो गया इस पानी में। दो दिन जो लगातार पानी किया ना, दो तीन दिन पूरा धान, जैसे देखिए कैसे पानी जा रहा है खेत से, पूरा एकदम धान सब डूब गया है इधर, और पानी खेत से पार हो रहा है, देखिए बीच से। देखिए कैसे धान उठा रहा है, इस बार का पूरा फसल ही बर्बाद हो गया, अब क्या बता सकते हैं, इतना दुख लग रहा है ना कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पूरा धान ही बर्बाद हो गया इस साल का। जो मेहनत करके किए थे, धान लगाए थे, सोचे थे कि अच्छा से धान उगेगा, बट अच्छा से उग भी गया था, फिर जब काट भी लिया उसके बाद फिर पानी दिया तो पूरा धान को बर्बाद कर दिया पानी ने। फाइनली दोस्तों कुछ धान उठा लिए, सारा धान तो नहीं उठा पाए क्योंकि अभी उतना धान उठाना मुश्किल है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर की ओर, देखिए जैसे गड्ढा सब में कितना पानी आ गया है, इधर रोड के गड्ढा सब में पानी भर गया है इस साल, पूरा इधर पानी बह रहा है उधर नली में, देखिए कैसे पानी इधर जमा हुआ है रोड का गड्ढा सब में। बहुत ही उदास है दोस्तों इस साल धान का खेती में, कभी इतना परेशानी नहीं हुआ था धान का खेती में, जैसे कि धान कटने के बाद इतना सारा परेशानी हुआ है ना, कभी नहीं हुआ था। एक तो पहले ही परेशानी होता था, लेकिन धान कटने के बाद कभी परेशानी नहीं हुआ है, और इस साल तो धान कटने के बाद परेशानी हुआ है। देखिए कैसे गड्ढा सा भरा हुआ है इधर खेत का साइड में, देखिए ये वाला खेत में भी कैसे पानी बह रहा है,
तो चलिए चलते हैं दोस्तों घर, क्या करेंगे इस साल तो पूरा बर्बाद ही हो गए हैं। नदी में भी देखिए कैसा पानी बह रहा है, नदी भी भर गया है, पूरा सूखा हुआ था नदी, पूरा एकदम हल्का हल्का पानी था नदी में पहले, अभी पूरा बह रहा है देखिए नदी में पानी। दोस्तों ये सब तो कटा भी नहीं हुआ नहीं है ये सब धान सब, इसमें भी इतना पानी आ गया है, ये सब धान थोड़ी और होगा, जैसे कि देखिए ये सब धान सब है ना, इसमें धीरे धीरे अब आँख निकलने लगेगा, आँख निकलने लगेगा तो धान का कोई फायदा नहीं है। देखिए पूरा पानी भर गया है खेत में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दें मेघनाथ महतो ब्लॉग्स में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, आप सबके लिए इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा।